कैसे आप सब लोग जादू प्रैक्टिस के साथ साथ आप हीलिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी हीलिंग हो गई? इस चीज का कोई थर्मामीटर है आपको किसी तरीके से पता चल सकता है? बिल्कुल जी, थर्मामीटर भी, और आपको पता भी चल जाएगा किसी भी चीज के बारे में आपको कैसे पता चलता है। जैसे मान लीजिए कि आप 2 से 3 महीना लग करके कोई डाइट फॉलो कर रहे हैं, किसी तरीके का एक वर्कआउट है जो फॉलो कर रहे हैं, तो क्या उसके रिजल्ट्स आपको अपनी बॉडी पे नहीं दिखेंगे? क्या दूसरे लोगों को उसके रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे? दिखेंगे ना, अगर आपने कंटिन्यू उस चीज को किया है बिना चीटिंग के। इसीलिए स्किप करने के लिए मैंने मना किया था कि स्किप नहीं करना है ना। तो अगर आपने बिना किसी चीटिंग के 2 से 3 महीने, चलिए 2 महीने लगाइए, 2 महीने की प्रैक्टिस है ना, 2 महीने लगा लीजिए, 2 महीने आपने अच्छा डाइट फॉलो किया है, अच्छा वर्कआउट लिया है, टाइम पे सोए हैं, टाइम पर सारी चीजें की हैं और काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रहे हैं अपने रूटीन के साथ में, तो क्या उसके रिजल्ट्स आपको दिखाई देंगे? आई एम श्योर आपके पास में खुद ही जवाब है, जी हाँ दिखाई देंगे। किसी को इतने, 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 दिखाई सबको देंगे। सबके मेटाबॉलिक रेट के ऊपर डिपेंड करता है, वेट लूज कर रहे हैं, वेट बढ़ा रहे हैं, सबकी अपना अपना इम्यून सिस्टम है उसके ऊपर डिपेंड करता है, सबकी अपनी अपनी बॉडी टाइप है, सबके अपनी अपनी चीजें हैं। बिल्कुल ऐसे ही सब, आप सबकी अपनी अपनी एनर्जी है, मेरी अपनी एनर्जी है, तो इट डिपेंड्स कि किसका कितना ज्यादा नेगेटिविटी से भरा हुआ मामला है। मेरा कहने का मतलब है किसकी बॉडी में कितना ज्यादा फैट है, कितना ज्यादा उसको मसल्स के ऊपर काम करना है, कितना ज्यादा उसको लूज करने के ऊपर काम करना है, गेन करने के ऊपर काम करना है। बेसिकली उसकी जो बॉडी है वो किस चीज के साथ में इजीली वर्क कर पा रही है और कितनी ज्यादा चीजें उसकी जो है वो खराब है, तो वो उसकी बॉडी टाइप के ऊपर ही काम करेगा ना, उसी हिसाब से रिजल्ट्स आएंगे ना। किसी को कम, किसी को ज्यादा, ऐसे ही होता है। कुछ लोग 2-2 महीना डाइट करते हैं लेकिन बीच बीच में स्किप करते हैं, हो नहीं पाता है, ऐसा जादू प्रैक्टिस में भी हो रहा है, राइट? किसी से हो नहीं पा रहा, कोई कुछ छोड़ दे रहा है, कोई कंफ्यूज हो जा रहा है, कोई कुछ तो कह रहे हैं नहीं हो रहा भैया, है ना, तो ऐसा ही होता है। वर्कआउट में भी अगर आप लेंगे ना, जिम वगैरह आप जा रहे हैं, अगर कोई अच्छे वर्कआउट आप लेना चाहते हैं, तो वो हफ्ता 10 दिन एकदम ऐसे जोश बना रहता है, मुझे तो करना है, उसके बाद फिर बहुत कम लोग ही होते हैं जो जिम के पूरे रूटीन को और चीजों को फॉलो करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जैसे जैसे आप इसको फॉलो कर रहे हैं, बिना चीटिंग के कर रहे हैं, कम से कम ही चीटिंग हो रही है ना, अपने आप को उस चीज के अंदर स्ट्रिक रख रहे हैं। देखिए, मेडिटेशंस आपकी हेल्प के लिए डाली गई हैं, अभी भी आगे भी शेयर करूंगी, तो अपने हिसाब से अपनी मनपसंद बीच बीच में मेडिटेशंस चेंज करते रहिए, कभी कोई कर लीजिए, ताकि आपका इंटरेस्ट उस चीज को करने में बना रहे। इस वजह से तो इतनी सारी मेडिटेशंस दे रही हूं मैं, है ना, तो आप अपने हिसाब से चेक कीजिए। हाँ, कुछ पर्टिकुलर ऐसी मेडिटेशंस होंगी जो आपको मैनिफेस्ट करने के लिए लेनी है या इसके लिए करनी है, तो उसके लिए मैं पर्टिकुलर कुछ डेज होते हैं जो बता दे रही हूं, और जिसके लिए मैं कुछ नहीं बता रही हूं, सिंपल सी बात है, आप अपनी पसंद से मस्ती वाइज चूज करते रहें, बस फ्लो में बने रहे, है ना। तो जिस तरीके से आप इस फ्लो को करते रहेंगे, बिल्कुल वैसे ही, इसीलिए जिम का या वर्कआउट का एग्जाम्पल ले रही हूं, जिस तरह से आप अच्छा डाइट ले रहे हैं, यानी कि आप अच्छा मेडिटेशन, वो आपकी मेंटल डाइट हो गई, जहां पर आप सैलेड और अच्छी अच्छी चीजें डाल रहे हैं जो कि आपके माइंड की हेल्थ को बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, तो वो आपको 2 महीने के बाद उसका उस लेवल पे रिजल्ट आएगा। एंड सेकंड चीज कि आप किस तरीके का वर्कआउट ले रहे हैं, तो वर्कआउट भी चेंज होता है ना। आप एक दिन कार्डियो करते हैं, एक दिन लेग्स मारते हैं, एक दिन अपर बॉडी करते हैं, एक दिन कुछ करते हैं, एक दिन कुछ करते हैं, उसके भी पीछे के रीजंस हैं। एक तो आप उन दिनों पर कुछ कुछ मसल्स को रिलैक्स करते हैं, उतना टाइम देते हैं, एंड देन उसके बाद में वर्कआउट करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है इसके साथ में भी। आप जब मेडिटेशन चेंज करते हो, एक तो आपका इंटरेस्ट बना रहता है, दूसरा कभी किसी चीज पर आप काम करते रहते हो, और जो दूसरी चीजों पर आपने काम किया होता है उसे सिंक इन होने देते हो, फिर 2-4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद दूसरी चीज पर करते हो, फिर उसके ऊपर काम करते हो, तो बेसिकली आपका इंटरेस्ट भी बना रहता है और आप चीजों को करना भी सीखते हो और आप उस चीज को कंटिन्यू कर पाते हो क्योंकि आपका इंटरेस्ट बना हुआ है। तो जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे, आपको हीलिंग के रिजल्ट्स खुद भी आएंगे और जो दूसरे लोग हैं आपको देख रहे हैं ना, जिनको पता भी नहीं है कि आप कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है वर्कआउट के भी साथ में, पता नहीं है बंदे को कि भाई सामने वाला वर्कआउट कर रहा है, लेकिन 2 से 3 महीने के बाद में बोलता है कुछ चेंज आया यार, कुछ किया है क्या, तुम्हारा टायर नहीं दिख रहा, तुम्हारी बॉडी ऐसी लग रही है, तुम्हारा फेस पे ऐसे शेप आ गई है, कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन सामने वाले को नहीं पता। बिल्कुल ऐसे ही हीलिंग के केस में,
आप जिस तरीके की मेंटल डाइट ले रहे हैं जिनका नाम मेडिटेशंस है, ठीक है, दूसरी मेंटल डाइट है आपकी किस तरीके के जो प्रोसेसेस हैं वो मैं फॉलो बीच बीच में आपसे करवा रही हूँ वो, ठीक है, इसके बाद में आपका जो एक्शंस है यानी कि एक्सरसाइजेस हैं वो क्या है, आपके ग्रेटिट्यूड जर्नल को फॉलो करना है, अपना आधे से पौने घंटे अपने बॉडी के ऊपर काम करना है, आप 2 महीने के बाद देखिएगा, खुद तो आपको लगेगा ही लगेगा, दूसरे लोगों को भी लगने लगेगा, बिकॉज वो एनर्जी आपके अंदर से निकलनी शुरू हो जाएगी जो कि अंदर के लेवल पे होगी। हो सकता है कि सामने वालों से आपको ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिल जाए और आप अंदर ही से वैसा फील कर रहे हैं, तो कितने लोग अभी से वैसा फील करें बताइएगा, अभी तो 1 महीना ही हुआ है हमको इस जर्नी में यहाँ तक आते हुए, अभी सोचिए कि 1 महीने में ये हाल है, 1 महीना और थोड़ा स्ट्रिक्ट रह करके फॉलो कर लेंगे तो ये आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि इतना लंबा कोई भी प्रोसेस हम करते हैं तो फिर वापस उसको छोड़ना मुश्किल होता है, जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों को उसको पिक करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि वो एक जंक वाला जो प्रोसेस है वो आप लोगों ने ऑलरेडी चलाया हुआ है, तो आपको वो जंक वाले प्रोसेस को ब्रेक करना, और कुछ लोग तो इतना हेल्दी देख करके बेचारे उठा ही नहीं पा रहे है ना, तो आपने बीड़ा उठाया है तो मैं कहूंगी कि जाइए आगे तक, 100% आपको हीलिंग के भी रिजल्ट्स आएंगे और दूसरे लोगों को भी आपकी हीलिंग के रिजल्ट्स थोड़े थोड़े टाइम के बाद में दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। इट डिपेंड्स कि आपके अंदर नेगेटिविटी कितनी है, आपके अंदर वो इम्यून सिस्टम आपका कितना वीक है, कितना स्ट्रांग है, मेटाबॉलिक रेट आपका किस तरीके का है, कितना हाई है, कितना लो है, उन सारी चीजों के अकॉर्डिंगली ही काम होगा और उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट आएंगे। हो सकता है किसी को 2 बार प्रैक्टिस करनी पड़े तब जाके रिजल्ट आए, तो वो उतना जंक जमा हुआ है, और किसी किसी को 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, 1-2 महीने की प्रैक्टिस के बाद तो वाओ मतलब परी लग गए, है ना। तो डिपेंड्स कि किस लेवल का अंदर का आपका सिस्टम काम कर रहा है, आपका ये सिस्टम 100% काम करेगा ही, भले ही आपको रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट प्रैक्टिस करनी पड़े, करते रहिए, तब तक करिए जब तक आपके अंदर का जो सिस्टम है वो ठीक ना हो जाए, हीलिंग के रिजल्ट्स आपको आएंगे ही आएंगे, आपकी लाइफ में उतरेंगे ही उतरेंगे, सारे रिश्ते, हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सब अच्छा होगा, और सिर्फ ये आपको नहीं दिखाई देगा, दूसरों को भी दिखाई देगा और आप दूसरे लोगों के लिए भी कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो बेसिकली ये हर तरह से ठीक है और हर तरह से आपको अच्छे वाले रिजल्ट्स आने ही वाले हैं, आज नहीं तो कल आपको रिजल्ट्स जरूर दिखाई देंगे, ठीक है। चलिए तो अपना अपना रखिएगा, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा प्यार, लव यू ऑल, टाटा।